सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने लेके आया हूं। मॉस्को यानी रूस ने सीधे सीधे यूक्रेन की जनता को धमकी दे दी है और कहा है कि तुम्हें नहीं बख्शा जाएगा। और क्यों? क्योंकि यूक्रेन के आम लोग भी हथियार लेकर सड़क पर उतर आए हैं और रूस का काफी भारी नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में मॉस्को ने कहा है, यानी रूस ने कहा है कि हथियार डाल दो और सरेंडर कर दो, वरना अब की बार तुम्हें नहीं बख्शा जाएगा। इस बयान के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है और ये ब्रेकिंग न्यूज में आपके सामने लेके इसलिए आया हूं क्योंकि आपको पता चल जाए कि जंग रुक नहीं रही है, थम नहीं रही है। इतने हमले होने के बाद, इतने खतरनाक आक्रामकता दिखाने के बाद रूस रुकने और झुकने को तैयार नहीं हुआ है। अब सीधा जनता को ही धमकी दे डाली है। क्रेमलिन ने, यानी रूस के ऑफिशियल ने कहा है कि अगर यूक्रेन में हमारी सेना के ऊपर हमला हुआ तो हम आम जनता पर हमला करेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। जंग में होता यह है, दुनिया में कहीं भी जंग हो, सेना आम लोगों को नहीं मार सकती है। यूक्रेन ने दिमाग लगाते हुए क्या करा है, आम जनता को हथियार बांट दिए हैं। तो होता यह है कि रूसी सेना जब तक समझती है कि ये आम नागरिक हैं या कोई और, तब तक सामने से आम लोग रूसी सेना को ठोक देते हैं, जिसकी वजह से रूस काफ़ी ज़्यादा परेशान था और अब रूस ने खुलकर धमकी दे दी है। दूसरी तरफ एक और आपको अपडेट दे दूँ, व्लादिमीर पुतिन ने 8 सीनियर जनरल कमांडर को बर्खास्त कर दिया है, निकाल दिया है। और आपको बता दूं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने दावा किया है कि वो उन्होंने इसलिए निकाला है क्योंकि यूक्रेन में वो जनरल पूरी तरह से युद्ध में फेल हो गए। इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने आगे ये भी कहा कि रशियन इंटेलिजेंस यूक्रेन की खुफिया जानकारी निकालने में भी असफल रही, जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन बौखलाए हुए हैं। जेलेंस्की की तरफ से, यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि 12,000 रशियंस को, यानी रशियन मिलिट्री को, फौजियों को अब तक हम मार चुके हैं। अगर दोस्तों ये सच है तो एक बात जान लीजिए, रूस रुकेगा नहीं। दूसरी तरफ अगर ईयू के आंकड़े बताएं, यूरोपीय यूनियन के, तो उन्होंने बताया है कि यूक्रेन ने 6,000 से 8,000 रशियन मिलिट्रियों को मार डाला है। लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट कुछ और है। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 3,000 रूसी सैनिकों को यूक्रेन ने कत्ल किया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा चढ़ा के यूक्रेन तो बताएगा, तो यूक्रेन का हमें मानना नहीं है कि 12,000 सैनिकों को मार दिया। अब सबसे कम अमेरिका बता रहा है और अमेरिका जो है यूक्रेन के हक में ही बोलता है, तो इसका मतलब अमेरिका आंकड़े गलत नहीं बताएगा, अमेरिका भी बड़ा चढ़ा के बताएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक बात सिद्ध होती है कि 3,000 मैक्सिमम मारे ही गए होंगे, वरना ये तो मैक्सिमम बताया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। वरना रूस के अगर 3,000 सैनिक मार देता यूक्रेन, तो व्लादिमीर पुतिन परमाणु हमला कर देते। पॉइंट है भाई, यूक्रेन में एक शहर है लात्विया, वहाँ पर रशियन एम्बेसी है। रशियन एम्बेसी के सामने व्लादिमीर पुतिन का एक ऐसा पोस्टर लगा है जो दुनिया में वायरल हो चुका है, देखिए। दोस्तों, सेंट्रल मारियोपोल सिटी का मेन एरिया, जैसे कि दिल्ली का कनॉट प्लेस, ऐसा हमला वहां पर हुआ कि तबाही मची हुई है। रूस का यह हमला देखिए। 10 марта 2022 год. Авиаудар в центр города. Иду показать вам, какой ущерб они наносят. И как они ведут с вами бои. Вот смотрите, вороночка. Как вчера на роддоме. А вот наши ребята уже проверяют. दोस्तों, अगर आप हॉलीवुड फिल्म देखते हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज को आप जानते होंगे। जी हाँ, यही वो डॉक्टर स्ट्रेंज हैं जिसके आपके घर में कोई ना कोई ऐसा नौजवान होगा जो फैन होगा या फिल्मों में आपने देखा होगा। इन्होंने खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर दिया है। देखिए दोस्तों, यूक्रेन का झंडा लेके इन्होंने पूरी दुनिया के सामने यूक्रेन को सपोर्ट किया है, जिसके बाद इनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इतना ही नहीं, निकोलेव के इलाके में सीधा दिन दहाड़े लगातार बमबारी रूस की जारी है। घर के अंदर से यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। सोच के देखिए कि कितना खौफनाक ये मंजर होगा। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन की सेना सड़क पर थी और बिल्कुल हमले के लिए तैयार थी कि किस तरह से उनको
रूसी फाइटर जेट का सामना करना है, लेकिन वहीं पर 20 मीटर दूर एक बम आकर रूस का गिरा, बाल बाल यूक्रेन की सेना बच गई। लेकिन वो मंजर देखना जरूरी है, देखिए। दोस्तों, यूक्रेन में डोनेस्क के इलाके में इमरजेंसी सर्विसेज की बिल्डिंग पर रूस ने हमला कर दिया है। МЧС, спасатели, люди помогают. Пожалуйста. Прямое попадание. दोस्तों, ये थी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। इस रिपोर्ट को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं, शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। जय हिंद।